प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। नमस्कार। 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन का प्रारंभ हुआ था, उसी की वर्षगांठ पर आज ये हास्य कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया है। लीजिए आज इस हास्य कवि गोष्ठी में जो जो कवि उपस्थित हो रहे हैं उनका परिचय मैं आपसे पहले करा दूं, क्योंकि आप हंसेंगे तो दुनिया आपके साथ है, अगर रोने बैठ गए तो किसी मिल में वो रुमाल आज तक नहीं बना जो रोते हुए आदमी के आंसू पहुंच दे। तो लीजिए इस हास्य कवि गोष्ठी का हम प्रारंभ करते हैं, और सर्वप्रथम मैं आमंत्रित कर रहा हूं अल्लड़ बीकानेरी जी को कि वो आए और ये कार्यक्रम प्रारंभ करें, सार्थक शुरुआत करें। श्री अल्लड़ बीकानेरी जी। खुद पे हंसने की कोई राह निकालूं तो हंसू, हाँ अभी हंसता हूँ, जरा मूड में आ लूं तो हंसू। इस उम्र में जो दुर्घटनाएं घटी हैं मेरे साथ उन पर कुछ कवित प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने। कि दिल्ली में खरीदा एक डीडीए का फ्लैट मैंने, पुरखों की बेच के हवेली मेरे राम जी। नए नए कवि जुड़े, दिग्गजों के होश उड़े, बनी ऐसी टीम अलबेली मेरे राम जी। बनी ऐसी टीम अलबेली मेरे राम जी। गुरु जी बना के फटे बांस पे चढ़ा के मुझे, फूट लिए सारे चेले चेली मेरे राम जी। बेहया बुढ़ापे ने बजाया ऐसा बाजा, राजा भोज से बना मैं गंगू तेली मेरे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह। घर से निकल के मैं पार्क में टहलता था, गई कहाँ मेरी वो आजादी मेरे राम जी। कल्पनाएं करता था, व्योम में विचरता था, रोक क्यों उड़ान पे लगा दी मेरे राम जी। रात ऐसा फोन आया घर में तूफान लाया, रात ऐसा फोन आया घर में तूफान लाया, सिट्टी पिट्टी पल में भुला दी मेरे राम जी। किसका था फोन बोलो, सौतन थी कौन बोलो, चीखी मेरी पोतियों की दादी मेरे राम। मुझसे है अलग स्वभाव मेरी बुढ़िया का, जीवन में कौन रस घोले मेरे राम जी। दलिया पसंद मुझे, खिचड़ी पसंद मुझे, उसको पसंद आलू छोले मेरे राम। उसको पसंद आलू छोले मेरे राम जी। सामने टीवी के बैठी देखे वो तो सीरियल, सामने टीवी के बैठी देखे वो तो सीरियल, पढ़ा हूँ किताबों को मैं खोले मेरे राम जी। पढ़ता हूँ जब मैं रामायण तो झूम के वो गाने लगती है ओले ओले मेरे राम। बहुत अच्छे। लगती है ओले ओले मेरे राम। अच्छे। चाल मुझ तोते की बुढ़ापे में बदल गई, बदली कहाँ है मेरी तोती मेरे राम जी। चाल मुझ तोते की बुढ़ापे में बदल गई, बदली कहाँ है मेरी तोती मेरे राम जी। बहुएं हैं घर में मगर निज धोतियों को, खुद ही रगड़ के है धोती मेरे राम जी। फंसी रही मोह में, फंसी रही मोह में, जवानी से बुढ़ापे तक तोते पे नजर कब होती मेरे राम जी। पहले तो पांच बेटी बेटों को सुलाया साथ, अब सो रहे हैं पोती पोते मेरे। और तज के गृहस्थी सीधा साधा वान प्रस्थी बन, पुण्य कमाने की मैंने ठानी मेरे राम जी। छत की मुंडेर पे फुदकते कबूतरों को, डालने गया मैं दाना पानी मेरे राम जी। बहुत अच्छे। नथु ने फुला के मेरे पीछे पीछे आके, तभी बोली मेरी नातिनों की नानी मेरे राम जी। कि तैया मेरा खसम कबूतरी को डाले दाना, डाले चढ़ी कैसी बुढ़े नू जवानी। मैं बहुत अच्छे। कैसी बुढ़े नू जवानी मेरे राम जी। अंतिम है कवित्व कि चढ़ती जवानी मेरी चढ़ के उतर गई, ढलती उमरिया ने मारा मेरे राम जी। स्वर्ण भस्म खाई
कहां लौट के जवानी आई, बाल डाई करके मैं हारा मेरे राम। वाह वाह। कानों से यूं थोड़ा थोड़ा देता है सुनाई मुझे, कानों से यूं थोड़ा थोड़ा देता है सुनाई मुझे, सुनते ही क्यों ना चढ़े पारा मेरे राम जी। आज के जमाने की ये नई नई मारुतियां बोलती है मुझको खटारा मेरे, बहुत अच्छे। बोलती है मुझको खटारा, बहुत अच्छे, वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अल्लड़ जी, पूरा दर्द आपने सुना दिया आज का। निश्चित रूप से हमारी चाची जी बहुत परेशान होंगी इन दिनों, क्योंकि इस उम्र में भी आप कबूतरों को दाना डाल रहे हो, कबूतरियों को। अली जी, इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच मेरठ से पधारे पॉपुलर मेरठी जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ काव्य पाठ के लिए। पॉपुलर मेरठी जी, दूरदर्शन के संदर्भ में कुछ पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत। अपना अरमान दूरदर्शन पर, अपना अरमान दूरदर्शन पर कर दूं ऐलान, दूरदर्शन पर अपना अरमान दूरदर्शन पर कर दूं ऐलान, दूरदर्शन पर कल था मुश्किल इलू इलू कहना, अब है आसान दूरदर्शन पर। कल था मुश्किल इलू इलू कहना, अब है आसान दूरदर्शन पर। और गैर को इस्तराब देना है, गैर को इस्तराब देना है, और सालों को ख्वाब देना है, और सालों को ख्वाब देना है। दूरदर्शन पे ले चलो मुझको, उसकी माँ को जवाब देना। दूरदर्शन पे ले चलो मुझको, उसकी माँ को जवाब देना है। और दूरदर्शन पे जब से आया हूँ, दूरदर्शन पे जब से आया हूँ, लोग शेरों पे झूम लेते हैं। दूरदर्शन पे जब से आया हूँ, लोग शेरों पे झूम लेते हैं। चूमा करते थे लोग पहले कलम, चूमा करते थे लोग पहले कलम, और अब पांव चूम लेते हैं। पांव चूम लेते हैं। देखें कि मैंने कहा कि आप में और मुझ में फर्क है, मैंने कहा कि आप में और मुझ में फर्क है, वो बोली दो दिलों की तमन्ना तो एक है। वो बोली दो दिलों की तमन्ना तो एक है। लूटो हो तुम मुशायरे, हम लूटते हैं दिल, अंदाज मुख्तलिफ सही, पेशा तो एक है। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे बाबूलर जी। वो बोली दो दिलों की तमन्ना तो एक है। लूटो हो तुम मुशायरे, हम लूटते हैं दिल, अंदाज मुख्तलिफ सही, पेशा तो एक है। और चंदू जोसेफ आरिफ और करतार पागल हो गए, चंदू जोसेफ आरिफ और करतार पागल हो गए, प्यार से जब उसने देखा चार पागल हो गए। प्यार से जब उसने देखा चार पागल हो गए, और मैं भी उसके इश्क में पागल अभी होने को था, मुझसे पहले मेरे बरखुरदार पागल। मैं भी उसके पागल अभी होने को था, मुझसे पहले मेरे बरखुरदार पागल हो गए। और तदबीर का खोटा है, तदबीर का खोटा है, मुकद्दर से लड़ा है। दुनिया उसे कहती है कि चालाक बड़ा है, खुद 30 का है और दुल्हन 60 बरस की, गिरती हुई दीवार के साए में खड़ा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे बाबा। दुनिया उसे कहती है कि चालाक बड़ा है, 30 का है और दुल्हन 60 बरस की, गिरती हुई दीवार के साए में खड़ा है। और कपड़ों की आबोताब दिखाने में रह गया, कपड़ों की आबोताब दिखाने में रह गया, कुछ खूबसूरतों को लुभाने में रह गया। मुर्गे की टांग खा गए शादी में सारे लोग, मैं दोस्तों से हाथ मिलाने गया। मुर्गे की टांग खा गए शादी में सारे लोग, मैं दोस्तों से हाथ मिलाने में रह गया। और एक्सरे देख के बेसाख्ता सर्जन ने कहा, एक्सरे देख के बेसाख्ता सर्जन ने कहा, तेरे भेजे में भी एहसास का कांटा निकला। अच्छा, तेरे भेजे में भी एहसास का कांटा निकला। और हुस्न वालों ने बहुत जम के किया है पथराव, तेरे सर में तो बड़ा काम रफू का निकला। हुस्न वालों ने बहुत जम के किया है पथराव, तेरे सर में तो बड़ा काम रफू का निकला। और कितनी कंजूसी पे आमादा है ससुराल मेरी, कितनी कंजूसी पे आमादा है ससुराल मेरी, रात की बात बताते हुए डर लगता है, ऐसे कमरे में सुला देते हैं साले मुझको, पांव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। इतनी कंजूसी।
कितनी कंजूसी पे आमादा है ससुराल मेरी, रास की बात बताते हुए डर लगता है और ऐसे कमरे में सुला देते हैं साले मुझको, पांव फैलाऊं तो दीवार में सल लगता है, और हमारी बारी जब आई तो हमसे डॉक्टर बोला चलो जल्दी दिखाओ और भी बीमार बैठे हैं, हमारी बारी जब आई तो हमसे डॉक्टर बोला चलो जल्दी दिखाओ और भी बीमार बैठे हैं, जो पहले आए थे लेटे हैं कब्रिस्तान में जाकर, बचे हैं जो यहाँ दो चार वो तैयार बच्चे हैं जो यहाँ दो चार वो तैयार बैठे हैं, कभी तो सहन कभी छत पे जाके ढूंढता हूँ, कभी तो सहन कभी छत पे जाके ढूंढता हूँ, खुद अपनी रखी हुई शय भुला के ढूंढता हूँ, उड़ा दिए हैं मोहब्बत ने मेरे होशो हवास, मैं अपने चश्मे को चश्मा लगा के उड़ा दिए हैं मोहब्बत ने मेरे होशो हवास, मैं अपने चश्मे को चश्मा लगा के ढूंढता हूँ, और खूब हंसते हैं तेरे अब्बा जी, उनको मैं गम से आशना कर दूं, तेरे अब्बा जी उनको मैं गम से आशना कर दूं, मेरे दिल में बस इतनी ख्वाहिश है तेरे घर में मुशायरा कर दूं, तेरे घर में मुशायरा कर दूं, खूब हंसते हैं तेरे अब्बा जी उनको मैं गम से आशना कर दूं, तेरे घर कैफियत शादी की लज्जतों को मैं पहचान तो गया, शादी की लज्जतों को मैं पहचान तो गया, अरमान दिल में जो था वो अरमान तो गया, आंखों की ताब दांतों की कुवत सुकून ने दिल, अब मैं भी जाने वाला हूँ सामान के आंखों की ताब बहुत अच्छे बात सुकून दिल, अब मैं भी जाने वाला हूँ सामान तो गया, पकड़ कर ले गया छम्मों के आशिक को पुलिस वाला, पकड़ कर ले गया छम्मों के आशिक को पुलिस वाला, लगाया घूंसा भी ऐसा कि घूंसे में दम निकले, वो जब पीठ छित लिया तो मुस्कुरा के छम्मो ये बोली, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले, पकड़ कर ले गया छम्मों के आशिक को पुलिस वाला, और लगाया घूंसा भी ऐसा कि घूंसे में दम निकले, वो जब पीठ छित लिया तो मुस्कुरा के छम्मो ये बोली, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले, और शुक्र है छेड़छाड़ की तोहमत अब कभी उसके सर नहीं आती, शुक्र है छेड़छाड़ की तोहमत अब कभी उसके सर नहीं आती, कैसा सुरमा लगा लिया उसने कोई सूरत नजर नहीं आती, कैसा सुरमा लगा लिया उसने कोई सूरत नजर नहीं आती, और इतने हकले थे कि हाले दिल न कह पाए मगर, इतने हकले थे कि हाले दिल न कह पाए मगर, अब धड़ाधड़ करते हैं इजहार इंटरनेट पर, लाला मिठन भी मियां कल्लन भी बैठे हैं वहाँ, काटते हैं अपना सब इतवार इंटरनेट पर, बहुत अच्छे बाबूलाल जी बहुत बढ़िया, मेरठ के बाद मैं आपको हरियाणा लेके चलता हूँ, बहुत बढ़िया इन्होंने बाबूलाल जी ने सुनाया, अब हरियाणा का आदमी तो श्रृंगार लिख कर और गड़बड़ कर देता है, मुझे एक शेर याद आता है, बोले सीप जैसी खूबसूरत हैं तेरी आंखें, पहली लाइन तो भाई ने ठीक ठाक लिख दी बोले सीप जैसी खूबसूरत हैं तेरी आंखें, जी चाहता है फोड़ के मोती निकाल लूं तो बाद में तो हरियाणा का आदमी प्रैक्टिकल हो जाता है, तो ऐसे एक हरियाणा की मस्ती की कविता के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ वरिष्ठ कवि आदरणीय श्री जैमिनी हरियाणवी जी को, जैमिनी हरियाणवी जी स्वागत। भाई अल्लड़ जी ने अपनी बात सुनाई बुढ़ापे की जी। भाई तेने महसूस कर लिया, मन ने महसूस नहीं करा एक रचना जो टीवी की बात है तो मैं सुना रहा हूँ, इसमें मैंने टीवी और बीवी की तुलना करी है, बढ़िया अच्छा। आप देखिए कि तुलना करने में कहाँ तक सफल रहा हूँ, आप अपना मुझे आशीर्वाद दीजिए स्नेह दीजिए। टीवी बनाम बीवी, इसमें एक बात आप अपने दिमाग में बैठा लें कि मेरी बीवी है मेरा ही टीवी है आपका कुछ नहीं है, जब ही आपको आनंद मिलेगा अच्छा। ईब मैं एकदम साथ साथ कह रहा सूं जी, ईब मैं एकदम साथ साथ कह रहा सूं जी कि मारे घर में से मौजूद एक अदद बीवी और एक अदद टीवी। वैसे इस दुनिया में कुछ इसे लोग भी हैं जिनके पास जितने कमरे उतने ही ये, वाह क्या बात है, वाह वाह बहुत अच्छे जी, पर हमें उन तक वे अपनी उपलब्धियां पे बेशक तने रहे
हमारे तो बस एक बीवी और एक टीवी बने रहे। और ये दो पंक्तियां देखिए आदित्य जी, अल्लर जी, हमारा आपका दर्द है इसमें कि रुला गया हमने हमारी किस्मत का लेखा, रुला गया हमने हमारी किस्मत का लेखा, क्योंकि हमारी बीवी को और हमारे टीवी को हम ते पहले हमारे पड़ोसियों ने देखा। और तुलना देखिए, जब हमारी बीवी आई हमें तो मिली बधाई और बीवी ने मिली मुंह दिखाई, बहुत अच्छे। लेकिन जब हमारा टीवी आया बधाई तो मिली लेकिन मुंह दिखाई कोई भी नहीं लाया, बहुत अच्छे। इस बात का हमें बड़ा दुख होया। लेकिन दोस्तों, टीवी लाने में हमें एक तसल्ली रही कि टीवी के निर्माता ने हमें 5 साल का गारंटी कार्ड दिया। मैं तो बीवी के निर्माताओं ते भी यो ये कहूं सू कि उन्हें भी कम से कम 5 साल का गारंटी कार्ड तो देना चाहिए कि अगर यो ठीक नहीं चल रहे, अगर यो ठीक नहीं चल रहे तो वापिस कर जाइयो, दूसरा पीस ले जाइयो। और तुलना देखिए, हमारी बीवी ने और हमारे टीवी ने हमारे घर की शोभा बढ़ाई और हमने भी उन्हें अपने कमरे में टिकाने के लिए खास खास जगह बनाई। बहुत अच्छे। हमने सोचा कि बहलेगा हमारा मन, लेकिन दोनों में शुरू हो गया कंपटीशन। एक दूरदर्शन तो दूसरा निकट दर्शन। बीवी कहे मने देख, टीवी कहे मने देख। बीवी चुप तो टीवी चालू, टीवी बंद तो बीवी शुरू। हमें मजबूरी में दोनों के सामने बैठना पड़ा, दोनों को देखना पड़ा, दोनों को सुनना पड़ा और कदे कदे दोनों को सहना पड़ा। और तुलना में ये दो पंक्तियां देखिए, पसंद आएंगी आपको। कि शुरू शुरू में हमारी बीवी थी रंगीन, अच्छा, लेकिन टीवी था ब्लैक एंड व्हाइट। और ईब जब टीवी आ गया रंगीन तो हमारी बीवी होगी ब्लैक एंड व्हाइट। और भाई, ईब तो टीवी वाले नए नए चैनल आ गए और नई नई सुविधाएं दे के हमारे जी जला रहे हैं। एक सुविधा देखो उनकी कि पुराना लाओ और नया ले जाओ। अच्छा है। और तुलना देखिए, शुरू शुरू में दोनों ने प्रोग्राम दिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शुरू शुरू में दोनों ने प्रोग्राम दिए बहुत अच्छे, खुश हम खुश पड़ोस के बच्चे। लेकिन धीरे धीरे दोनों दिखाण लगे अपना अपना चमत्कार। एक दिन टीवी खराब, दूसरे दिन बीवी बीमार। जब हम होने लगे बोर तो एक दिन एक पड़ोसी आके बोला, अपना टीवी ले आओ। हमने उस पे बहुत गुस्सा आया कि उसने यो क्यों ना कही कि अपनी बीवी ले आओ। वो तो अपनी दुश्मनी दिखा के चला गया, लेकिन मारा तो एक परमानेंट दुश्मन से श्रीमान और वो से भगवान। एक दिन बड़े जोर की आंधी आई और मारे घर के बराबर वाला पेड़ गिर पड़ा। अच्छा। बीवी का माथा फूट गया, टीवी का एंटीना टूट गया। दोनों की तस्वीर बिगड़ गई। बहुत अच्छे। हमें दोनों को ठीक ठाक कराने के लिए अलग अलग डॉक्टर बुलवाने पड़े। और जब देनी पड़ी घनी घनी फीस तो मारे कालजे में लगी टीस। और हम ऊपर हाथ उठा के बोले, हे जगदीश, मारी सहायता न आ, इन दोनों के खर्चे ते बचा। वाह वाह। यो जिंदगी भाई, जो मेरी उम्र के हैं उनकी तो जैसे तैसे कटगी। कारण देखिए, कारण नोट करिए आप, क्योंकि मारी बीवी के आन के 15-20 साल बाद आया था हमारा टीवी, इसलिए कटगी। इन कुंवारे नौजवानों का के होगा, क्योंकि इनकी बीवी तो अपने साथ में ही ले आओगी टीवी। अरे हंसने की बात नहीं, इनके लिए एक समस्या खड़ी हो जाओगी कि सुहाग रात ने
ये टीवी देखेंगे या बीवी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जैमिनी जी, बहुत अच्छे।